हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ के बारे में। और हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एक नई स्कीम जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में, सो एंड तक इसको देखिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल कवर कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि UPSC CDS एंड UPSC NDA, FCAT, डिफरेंट SSC एग्जाम्स, DRDO, NTPC, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज की बिग स्टोरी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20th जून ऑफ 2020 को एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है, इस पैंडमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स जो हैं उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ा। जैसे कि जो यूपी के माइग्रेंट्स हैं उनको वापस लौटना पड़ा, और झारखंड के, बिहार के ऐसे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनको लाइवलीहुड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी और बहुत मुश्किलें हो रही थी उनको यहाँ पे अपना इनकम सर्वाइव करने में। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिसेंट ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि PM नरेंद्र मोदी टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20th जून टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज रूरल इंडिया। जी हाँ, बेसिकली ये रूरल एरियाज जो इंडिया के हैं उन पे फोकस किया गया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिक्कतें हो रही हैं अपने लाइवलीहुड जीने में। ठीक है, PM मोदी टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20th जून टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपने तो सुना ही होगा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के बारे में, जो PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। उसमें 1.75 लाख करोड़ का पैकेज था, और उसी के अंतर्गत ये गरीब कल्याण योजना भी आती है। ठीक है, वैसे तो ये गरीब कल्याण योजना 2016 में बेसिकली लॉन्च की गई थी, और इसी के अंडर हमारी ये जो आज की योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाली, ये इसी के अंडर आती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि माइग्रेंट वर्कर्स को वापस भेजने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, वो भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, इसी के बारे में हम आगे भी जानेंगे कि देखते हैं ये है क्या, और ये गरीब कल्याण योजना क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसका बेसिक जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन जो मोटिव है इसका, उसके अंडर क्या क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट एन अमाउंट ऑफ 50,000 crores वुड बी स्पेंट फॉर बिल्डिंग ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, इसके अंडर 50,000 lakh crore का पैकेज हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बढ़िया रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट होगी उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और उन्होंने आगे क्या बोला है, ही सेड 25 वर्क एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वर्क्स। 25 वर्क एरिया पे फोकस किया है बेसिकली, जैसे कि हमारे रूरल एरिया या बैकवर्ड सेक्शन में डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये एरिया पे फोकस किया है, और इसी से रिलेटेड ये पूरा प्रोजेक्ट है। दीज 25 वर्क और प्रोजेक्ट आर रिलेटेड टू मीट द नीड्स ऑफ विलेजेस लाइक रूरल हाउसिंग फॉर द पुअर, प्लांटेशंस, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जल जीवन मिशन, पंचायत भवंस, कैटल शेड्स, आंगनवाड़ी भवंस। ये सब जो रूरल एरिया के जो वर्क हैं, रूरल एरिया के जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस हैं, उन पे बेसिकली फोकस किया गया है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए। 25 एरियाज ऑफ वर्क हैं, ठीक है, जिन पे मेनली फोकस किया गया है। जैसे कि आपको पता ही है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होती है रूरल एरिया में, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही उसको लॉन्च किया है, और पंचायत भवन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी रूरल हाउसिंग की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैटल शेड्स जो पशुओं का रहने का या उसमें प्रॉब्लम होती है, और आंगनवाड़ी जो बच्चों के पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके रोजगार अभियान के। ठीक है,
सो इस अभियान में 125 डेज का ये मिशन है, 125 डेज का जो है इसके अंतर्गत ही मेन एरिया फोकस होंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 25 कैटेगरीज ऑफ वर्क्स एक्टिविटीज इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स। जी हाँ, 116 क्षेत्रों में इसका काम देखा जाएगा, ठीक है। ईच विद अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स। आप लोगों को पता ही है बहुत सारे रिटर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेंट वर्कर्स हुए थे, और ये अप्रॉक्स 25,000 वर्कर्स रिटर्न किए गए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पेंडेमिक लॉकडाउन था उस टाइम पे, ठीक है। और जैसे कि बेसिक एरिया जो बेसिक स्टेट्स जो हैं उन पे फोकस किया गया है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, बेसिकली इन्हीं जगह से बहुत सारे वर्कर्स आए थे। सो इन्हीं स्टेट्स पे, 6 स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें, ठीक है। तो 6 स्टेट्स में फोकस किया है, और अब देखते हैं आगे इसमें अभियान में क्या क्या और चीज़ें हैं, जिसमें कि ये बेसिकली काम करेंगी 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, 12 अलग मंत्रालय के अंदर, जिसमें हैं रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स हो गया, टेलीकॉम और एग्रीकल्चर हो गया, ये सब जो मिनिस्ट्रीज हैं ये इसके अंडर इसको हैंडल करेंगी, कंट्रोल करेंगी ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन है इन 25 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, ये सब मिनिस्ट्रीज हैंडल करेंगी, अच्छे से इनका देखभाल करेंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें आगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये सब आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जो कि 2016 में बेसिकली लॉन्च की थी, 2016 में लॉन्च की गई थी, ये उसी टाइम लॉन्च की गई थी जिस टाइम पे राशन पानी नहीं मिल रहा था गरीबों को, वो प्रोवाइड किया गया था इसी योजना के अंतर्गत, और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड की गई थी, उनको अपॉर्चुनिटी दी थी इसी के अंतर्गत, इसी योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब पैकेज प्रोवाइड किया गया है, और रिसेंटली आपको पता ही है कि 39 करोड़ पुअर पीपल को हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया था इसी के अंडर 34,800 करोड़ का पैकेज, और जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी बोलते हैं जिसे, PMGKP। बहुत बारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। सो इसके डीप में जानने के लिए यही सब मैंने आपको सारी स्कीम्स इसके अंडर बताई हैं कि कौन कौन सी मेन एरिया ऑफ फोकस हैं, ठीक है। और ये जो पैकेज है ये बेसिकली 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने साइन किया था, निकाल के लेके आई थी ये पैकेज जो है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है उससे बचाने के लिए ये पैकेज लेके आए थे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एम्प्लॉयमेंट की या इनकम की या लाइवलीहुड में चलाने की, ठीक है, ये सब इसके अंडर आता है, और ये डिजिटल पेमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया था। सो, ये सब था इसके अंडर, ठीक है। और भी रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। थैंक यू।